देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय पर ध्वजारोहण किया और वहां मौजूद लोगों को कर्तव्य और निष्ठा की शपथ दिलाई। इस मौके पर एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, जिला विज्ञान प्रौद्योगिकी अधिकारी रीता गाड़िया, नीरज श्रीवास्तव सहित कलेक्ट्रेट के अन्य कर्मचारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी तथा लोगों को कर्तव्य परायणता का शपथ दिलाई। कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों के तहत इस बार किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया है। डीएम ने कहा कि कोरोना से मुक्ति ही इस बार की असली आज़ादी होगी। जब हम मास्क मुक्त होंगे तभी खुशहाली लौटेगी। उन्होंने कहा कि देश आत्मनिर्भर बने इसके लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है। अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे देश आत्मनिर्भर बन सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने कहा, बात है वो सिर्फ ये है जहां सबको इकट्ठा और दो गज की दूरी के नियम का पालन न करते हुए दूसरे से बना कर रखे अधिकारी गण ठीक 9 बजे ध्वजारोहण के नियम का पालन करते हुए अपने अपने मास्क के साथ हम सब यहाँ इकट्ठा रहे। तो 74वां स्वतंत्रता दिवस का ये अवसर है, हर वर्षों की भांति उसी हर्षों की स्वतंत्रता अपने तिरंगे की आन बान शान यार, संतरी खड़ा रहेगा। मैं बता रहा हूँ, आप दोहराइए। मैं पुनीत संकल्प लेता हूँ कि राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं अखंडता सुरक्षित रखने के तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा। मैं यहाँ भी पुष्टि करता हूँ कि कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लूंगा। वर्ग भाषा और क्षेत्र से संबंधित मतभेद और विवादों या अन्य राजनीतिक अथवा आर्थिक समस्या को समाधान शांति तथा संवेदनशील तरीके से करूंगा। जय हिंद। ये बात है, 74वां स्वतंत्र दिवस आज मनाया जा रहा है और आप देख ही रहे हैं, पहले बार हम लोग भी स्वतंत्र दिवस ऐसे मना रहे हैं। सब लोग मास्क पहनते हुए दो दो गज का दूरी बनाते हुए मना रहे हैं और ये हम लोग पूरे दुनिया एवं देश बहुत कठिन परिस्थिति में गुजर रही है। और वैसे हम लोगों को याद रखना होगा जो कितने लोग आज़ादी के लिए कुर्बानी दिए, दूसरे एक आज़ादी हमें चाहिए, ये बिना मास्क वाले आज़ादी और हमें खुला जाके हमारा साथियों से गला मिलने का आज़ादी, ये आज़ादी उम्मीद करें जल्दी मिल जाए, बट उसका हम लोग को भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। वैसे आप देख रहे हैं कितने लोग अपने कुर्बानी दे चुके हैं इसी कोविड बीमारी पे, कितने डॉक्टर, कितने कोरोना वॉरियर, कितने पुलिस वाले, कितने AS वाले, IPS वाले, आम जनता, ये सब कुर्बानी है। ये कुर्बानी इसी का याद करता है, याद दिलाता है हम लोग कितने और सतर्क रहना है।
किसी भी नागरिक का मृत्यु होता है कोविड के वजह, वो कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम को ऊपर कड़कड़ा में खड़ा कर देता है और हम लोगों को और सचेत कर देता है, हम कहीं ना कहीं चुक हो गए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, इसके लिए अब तक हम लोग के पास कोई इलाज नहीं पूरा दुनिया में। वैक्सीनेशन जल्दी आने वाले हैं, उम्मीद करेंगे जल्दी आ जाएगा, बचाव ही इसके इलाज है। बचाव के लिए 3 मूल मंत्र है, बार बार हम दोहरा रहे हैं पिछले 6 महीने से, बिना मास्क बाहर नहीं निकालिए, 2 गज का दूरी और हाथ बार बार धोलना है, ज़रूरी है तब निकालिए। मैं समझ रहा हूँ बहुत लोगों का मजबूरी होता है अपने अपने नौकरी पे जाने के लिए और अपने किसी काम में जाने के लिए, सावधानी बरतें ताकि केवल अपने जान आप रिस्क में नहीं ले रहे हैं, पूरा परिवार का और समुदाय को भी आप रिस्क में ला रहे हैं। और यदि ये अच्छा होता है तो 1-2 महीने में हम लोग इसी बीमारी को काबू करने स्थिति पर रहेंगे। गोरखपुर के अलावा प्रदेश में भी जांचें रोज़ हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। पॉजिटिव पेशेंट पहले मिलेंगे उनके सचेत कर सकते हैं। ये स्वतंत्र दिवस इस बार हम मना रहे हैं वैसे मास्क पहन के, हम उम्मीद करते हैं कभी भी ऐसे त्यौहार हम ना मनाएं और इसके लिए आपको सहयोग चाहिए, हम साथ मिलकर लड़ेंगे, कोरोना से जीतेंगे। सर एक आत्मनिर्भर की बात हो रही है, उसके लिए कोई योजना है? हाँ देखिए, कहीं योजना चल रही है, उसका हर विभाग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। एक तो आपको याद होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर अभियान चलाए थे, 125 दिन के अंदर सभी विभाग केंद्र सरकार राज्य सरकार मिल करके बहुत लोगों को नौकरी देने के लिए। यहाँ गोरखपुर में तकरीबन 1.5 लाख लोग बाहर से आए हैं और उन लोग होनियार लोग हैं, यानी जो उन लोग का हम लोग स्किल के कैटेगरीज कराए हैं और कहाँ कहाँ ज़रूरत है उसी के हिसाब से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और नरेगा और तमाम काम जो इस समय में चल रहा है, रोड बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर कराने में, वो सभी में इस्तेमाल हो रहा है। और इसके अलावा जो यहाँ का जो हम लोग खासतौर पर जो अन्य देश से जो माल आता है उसी के निर्भरता का ख़त्म करने के लिए सरकार ने ये पहल किया है, उसी के अनुसार यहाँ का छोटी छोटी उद्योगपति और लोग भी जो आगे आ रहे हैं, लोन किसी को चाहिए लोन हम दे रहे हैं, और किसका छोटी बड़ा उद्योग अब शुरू करना है इससे बेहतर मौका आपको मिलेगा नहीं। शासन ने राज्य सरकार केंद्र सरकार स्तर पर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन के रिलैक्सेशन दिए हैं और काफ़ी छूटें दिए हैं, टैक्स को भी सब्सिडी में भी अनेक छूट है। मैं सभी नागरिक को आग्रह करता हूँ ये इसी का जो हम लोग आपत को अवसर में बदलने के लिए ये अच्छा मौका है, इससे हटके मत काम करिए, इसी पर लड़के हम जीतेंगे।